खंडहर एक दिन में घूमना संभव नहीं है। वो सब बना है ना, देखिए सब पेड़ भी सब अजूबा अजूबा है, अजूबा अजूबा पेड़ है जी। देखिए पेड़ पिताड़ का, ये खजूर का पेड़ है, खजूर का पेड़, ये भी अजूबा है। देखिए इसमें से ऐसा खजूर का पेड़ कभी नहीं देखे हैं कि जिसमें से तीन तीन छः और दो आठ टहने निकला हुआ है। देखिए 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 समझो, विष्णु भगवान का अवतार लिए हैं। देखिए कितना अद्भुत पेड़, ऐसा पेड़ नहीं देखे हम कभी। देखिए एक पेड़ में कितना टहनी निकला हुआ है, खजूर का पेड़ है। देखिए कितना भव्य रहा होगा ये महल, ये विश्वविद्यालय, इसकी कक्षाएं, इसकी इमारत कितनी सुंदर और कितना भव्य रहा होगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कितना अच्छा से पढ़ते होंगे। संभव नहीं है नालंदा खंडहर को घूमना। देखिए देखिए बुद्ध भगवान का स्तूप है, जब उनके परिजन आते थे उनके हाथों में रात को देते थे अपना संदेश लगा के अपने तरह से क्रियाक्रम करते थे। तो राउंड वाला भोटी वस्तु का ही अनुसर है, वो जो चेयर देख रहे हैं कुर्सियाँ हॉस्टल तरफ टूटा फूटा हुआ मिला था, ASI ने बचा के रखे हुए हैं। जो लेक्चर स्टेज की होता था जहाँ से गुरु लोग बोलते थे, यहाँ का चेयर अफून का रहा है और भगवान बुद्ध के अनेक मुद्रा में रहा, भूमि अफून मुद्रा, वह मुद्रा, वरण मुद्रा, सारे मुद्राओं में यहाँ का चेयर कोई सा जो दिखाया जा रहा है। एयरलाइन 10,000 छात्रों का पूजा दिया नालंदा खंडहर, नालंदा विश्वविद्यालय। उपद्रवियों ने जो देश को, हमारे देश को लूटा है, वो लूट कर और इस विश्वविद्यालय को जला दिया था। कहा जाता है कि इसकी आग, इसमें इतनी पुस्तकें थीं कि इसकी आग बरसों तक रही थी, बरसों तक पुस्तक जला था। और इसे विश्वविद्यालय को, जो पूरे संसार में एकलौता विश्वविद्यालय था, इसको तहस नहस कर दिया गया, हमारे देश की धरोहर को नष्ट कर दिया गया। और बहुत दुख की बात है कि इसको नालंदा खंडहर कहा जाता है, इसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नालंदा खंडहर नहीं बोला जाए इसको, इसको हमारी धरोहर है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय इसको बोला जाए। जाए दो ना काटता है, बताओ। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी बहुत सारा मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारा मैं दिखाऊंगा वीडियो नालंदा के विषय में। बहुत नालंदा में बहुत कुछ है देखने सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे चैनल रघु ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।